हेलो गाइस, क्या चाल है आप लोगों का? आप लोगों का स्वागत है एक्सप्लोरिंग फ्रेम्स में। आई होप आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ एकदम अच्छी होगी और स्वस्थ होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मैं हूँ हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और मैं जा रहा हूँ इस वक्त गोवा। तो ये वीडियो होने वाली पूरी गोवा से रिलेटेड, गोवा में क्या खर्चा आने वाला है, तो सब मैं सब कुछ इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा गोवा तक के लिए, वो रहेगा ट्रेन से, जिसका टिकट फेयर है 900 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। इस ट्रेन की ड्यूरेशन होने वाली है भाई 30 घंटे की, तो देखते हैं भाई 30 घंटे कैसे बिताते हैं। आई डोंट नो कैसा जाएगा 30 घंटे तक। और इस पूरी वीडियो में आपको सारी चीज़ बताएंगे, ए टू जेड हर चीज़ का प्राइस बताएंगे, होटल का, एक्टिविटीज़ का, सारी चीज़ का। तो वीडियो को बने रही है और इसमें ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो वीडियो को मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी कि एक्चुअल में क्या बजट आता है गोवा ट्रिप के लिए। तो ट्रेन में तो मैं बैठ गया था, चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए कि 30 घंटे एक ही जगह बिताने का। तो इस 30 घंटे में मैंने खिड़की में बैठ के सारे सीजन का मजा लिया। कभी मैंने धूप देखी, कभी बारिश हो रही थी, और कभी बाहर हरा भरा नजारा देखने को मिला, और साथ ही साथ में बहुत बड़ी नदी देखने को मिली, जो कि मेरा बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था ट्रेन जर्नी का। और कुछ टाइम मैं सोता रहा। 2000 years later. तो फाइनली मडगांव पहुंच चुके हैं और पूरा टाइम लग गया 31 आवर अप्रॉक्सीमेटली लग गए ट्रैवलिंग में। 2 घंटा लेट थी, मतलब 6:30 तक आ जाना था, लेकिन अभी जो टाइम हो चुका है वो 8:30 बज चुके हैं, थोड़ा सा लेट है। सो इस वक्त अभी मैं थिविम रेलवे स्टेशन के पास, लेकिन तो फाइनली मडगांव पहुंच चुके हैं। और तो आपको ये सुन के बहुत ज्यादा अजीब लगा होगा, अभी तो मैं मडगांव स्टेशन पे था और एकदम से मैं थिविम रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है और मेरी मिस्टेक भी है। तो बेसिकली क्या है, जब मैंने ट्रेन की टिकट बुक करी थी दिल्ली से मडगांव की टिकट बुक कर दी थी। तो बेसिकली क्या है, जो गोवा है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो बेसिकली मेरे को जाना था नॉर्थ गोवा। तो नॉर्थ गोवा में 2 स्टेशन पड़ते हैं आपका, सबसे पहला थिविम पड़ता है, देन उसके बाद वास्को द गामा पड़ता है, वो ज़्यादातर साउथ का पार्ट कवर करता है और थोड़ा सा नॉर्थ का पार्ट कवर करता है, और लास्ट में आपका जो मेन जो कि साउथ का रेलवे स्टेशन है वो है मडगांव। मैंने बिना देखे दिल्ली टू मडगांव की टिकट बुक कर दी थी, तो मेरे को सीधा उतरना पड़ गया साउथ गोवा में। और मैं उतरा था रात के समय, टाइम जो है बहुत ज़्यादा ऑफ सीजन था गोवा में, तो मतलब ऐसा समझो साउथ, अगर ऑन सीजन में भी आ रहे हो गोवा तो आप साउथ बहुत ज़्यादा खाली रहता है, बहुत ज़्यादा सुनसान रहता है साउथ गोवा भी। तो उस टाइम भी कुछ मेरे को नहीं मिला, पूरी रात भर स्टेशन में रुका। और भाई मेरे को सुबह ही मैंने मडगांव टू थिविम रेलवे स्टेशन की ट्रेन की टिकट बुक कराई, जो कि 40-50 रुपीज़ की थी, और फिर मैं जाके पहुंचा फाइनली थिविम में, जो कि पड़ता है नॉर्थ गोवा में। अगर आप कोई भी रीजन से, अगर आप नॉर्दर्न रीजन से आ रहे हो गोवा, तो आप अगर आपका प्लान है नॉर्थ गोवा में एक्सप्लोर करने का, तो आप थिविम या वास्को द गामा उतर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि आप थिविम उतरो, क्योंकि थिविम से मैक्सिमम जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा पास में पड़ती है, आपको ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी कमी नहीं होगी। अगर आप साउथ घूमना चाहते हो, अगर आप साउथ घूमना चाहते हो, तो आप मडगांव या वास्को द गामा प्रेफर कर सकते हो रेलवे स्टेशन। तो अभी मुझे जाना है कैंडोलिम, जहाँ पर मेरा हॉस्टल है, और ये यहाँ से आपका स्टैंड वगैरह स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर आपको ऑटो वाटो मिल जाएंगे, थोड़ा सा इधर आगे जाओगे तो बस वगैरह मिल जाएंगे। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। वो जो दिख रहा है यहाँ से सीधा, ये रेलवे स्टेशन का रोड, यहाँ से सीधा होगे आपको यहाँ जाना है बस के लिए। Moments later. तो सबसे पहला ऑप्शन होता है भाई स्टे आपका होना जरूरी है। ये हॉस्टल है हॉस्टलर, तो इसके नीचे डोमिनोज है। अगर आप इसका ही अगर आप लोकेशन बता दोगे कि डोमिनोज पे रोक देना, तो वो यहीं पे रुकवा देंगे। आगे इसका स्टॉप है, तो वो स्टॉप पे जो पेड़ दिख रहा है, पेड़ से आगे इसका स्टॉप है, तो यहीं पे रुकवा देंगे। अब चलते हैं भाई अंदर। तो भाई मैं पहुँच रहा हूँ यहाँ पर सुबह के 9 बजे, तो मैं था मडगांव स्टेशन पे, तो मैं वहीं पे लाउंज में रुक गया था। तो मैं यहाँ पे आया हूँ 9 बजे, तो और यहाँ का चेक इन जो टाइम होता है वो 2 बजे का होता है दोपहर में। तो मैं अपना यही सामान रख के, और बाकी का जो यहाँ का नज़ारा वगैरह है देख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई। यहाँ का स्विमिंग पूल भी भाई बहुत सही बना रखा है यार, गेट अप गो, बहुत सही है भाई, अच्छी लोकेशन पर बना रखा है इन्होंने।
और बढ़िया है भाई। एक चीज़ दिखाऊँ सामने से, अभी मैं आ चुका हूँ बीच की तरफ और भाई यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, मतलब कि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम दैट आई हैव नेवर सीन दिस स्टनिंग व्यू इन गोवा। बहुत ज़्यादा सेक्सी व्यू है और लेट मी शो यू ना, बताने से अच्छा लेट मी शो यू। भाई ये देखो भाई, सीरियसली यार क्या व्यू है। अंदर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते बिकॉज इट्स नॉट परमिसेबल इन मॉनसून सीजन, क्योंकि वेव्स का कुछ नहीं पता रहता। तो मैं तो वैसे नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा अंदर, तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ तक आ जाता है पानी, ये देख रहे हो यहाँ तक आ जाता है, वहाँ तक रहता है सैंड्स, वहाँ तक रहती है, लेकिन पानी देखो अभी भी इसकी वेव्स यहाँ तक है। भाई बहुत सेक्सी व्यू है यार, देख रहे हो उधर से तो पानी कट चुका है, वहाँ देख रहे हो जहाँ पे लड़के लोग हैं वहाँ तक आ चुका है पानी, वहाँ तक आ चुका है पानी। तो यू कैन इमेजिन, ये लाइफ गार्ड्स रहते हैं हर सारे बीचेस पे, लाइफ गार्ड्स रहते हैं कि कोई अंदर ना जा पाए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन भाई सेक्सी यार, बहुत ज़्यादा सेक्सी है। तो भाई जस्ट 5 मिनट ही हुए थे बारिश ख़त्म हुए भाई, फिर दोबारा बारिश स्टार्ट हो चुकी है भाई, और अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो रही है। और भाई वेव्स देख रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक आ रही है वेव्स। इस टाइम ना वाटर एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है, तो आप अगर मॉनसून सीजन में आ रहे हो और आपको और आप अगर कोई एक्टिविटीज़ करना चाहते हो वाटर स्पोर्ट्स की, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप बाकी जो बाकी आप बाकी क्लब वगैरह आप जा सकते हो। तो आप अगर गोवा आए हो तो भाई आपको व्हीकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप 4 बंदों से ज़्यादा ग्रुप में हो तो आप कार प्रेफर कर सकते हो, अगर आप 1 या 2 पर्सन हो, अगर आप 4 भी हो तो दो पर्सन के अकॉर्डिंग आप स्कूटी रेंट कर सकते हो। भाई स्कूटी सबसे बेस्ट और चीपेस्ट ऑप्शन में आता है गोवा के अंदर। जो स्कूटी है 350-400 के अराउंड आपको बहुत ईजिली मिल जाती है गोवा के अंदर। नॉर्थ गोवा में यही रेट चलता है, जो ऑफ सीज़न में रेट है वो 300-400 रुपये होता है। अगर आप यही आप अगर ऑन सीज़न में आ रहे हो नवंबर टू जनवरी फरवरी तक, तो इसका जो रेट है वो आपको 400-500 देखने को मिल सकता है। और मैं आपको प्रीफर यही करूँगा कि आप स्कूटी लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीप पड़ जाता है। मैंने जो स्कूटी ली है वो 4 डेज के अकॉर्डिंग ली है स्कूटी, विच इज़ इक्वल टू 1200, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा चीपेस्ट ऑप्शन पड़ा है। अगर आप कोई भी व्हीकल ले रहे हो ना, तो भाई उसकी चारों तरफ से आप प्रॉपर वीडियो बना लो, हर एक एंगल की उसकी वीडियो बना लो, क्योंकि आपको जब आपको रिटर्न करनी होती है ना, तो भाई तो जो सामने वाली पार्टी है ना, वो आपसे फ्रॉड भी कर सकती है कि ये जो चीज़ डेंट्स वगैरह एक्सीडेंट वगैरह है वो सब आपने करा है। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही वीडियो बना लो, जिससे कि आप ही सेफ रहो। भाई स्कूटी लेके निकल चुका हूँ भाई, मैं अभी सबसे पहले जा रहा हूँ बागा बीच पे, तो देखते हैं बागा बीच का क्या सिचुएशन है अभी मानसून के सीज़न में, कि क्या वहाँ पे शॉप्स खुली है नहीं खुली है। चलो वहाँ जाके पहले पता लगाते हैं। सबसे पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं, क्योंकि एक जो स्कूटी देते हैं इसका पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता, तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ भाई बागा बीच की तरफ, जो कि टीडोस लेन स्टार्ट हो चुका है। भाई अभी का माहौल देख सकते हो कैसा हो रखा है, स्कूटियाँ तो यहाँ भरी पड़ी हैं, लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं। आपको कुछ एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। अपना नाम बताइए भैया। मोइन अली। अच्छा भैया, तो आप क्या आपका ये लोकेशन क्या रहेगा सबसे पहले ये बताओ। मेरी शॉप का लोकेशन क्या रहेगा? बागा टीटोस लाइन। तो क्या क्या एक्टिविटीज करवाते हो आप? स्कूबा डाइविंग प्लस वाटर स्पोर्ट का कॉम्बो पैकेज। अच्छा। इसमें पैरासीलिंग, स्कूबा डाइविंग, जेस्की, स्पीड बोट, बंपर राइड, बनाना राइड, ये 6 राइड आता है। इसका फोटो वीडियो रहता है अंडर वाटर। अच्छा, आप इसका वीडियो बना के देते हो एक्टिविटीज का? एक्टिविटीज स्कूबा का ना, स्कूबा का। ठीक है। और क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें बोलो? पिकअप ड्रॉप, ब्रेकफास्ट, लंच, बियर, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, मिनरल वाटर, 6 साइट सीन। अच्छा, तो ये सब अनलिमिटेड होता है, ये फूड वगैरह जो भी? हाँ, आप सब बढ़िया है। बढ़िया। ओके, तो आप मुझे पूछ लो। तो आप मुझे प्राइस बताइए कि एक्टिविटीज का क्या क्या प्राइस रहेगा, और अगर बंदा अकेला करना चाहे तो क्या प्राइस रहेगा कॉम्बो में? कॉम्बो का हमारा रहता है 3000 का। 3000 का प्राइस रहता है? 3000 का। ओके। अभी आउट सीजन है तो हमारा बोर्ड खाली जाता है। ओके। हमारा बोर्ड खाली जाता है, इसके लिए हम लोग यहाँ से कुछ नहीं लेते ऑफिस से। हाँ। कुछ नहीं लेते इसके लिए कि हमारा बोर्ड का सीट अगर खाली जाएगा तो मेरे को लॉस होगा। अच्छा। इसके लिए हम कम प्राइस में आउट सीजन में। अच्छा, तो मतलब आप डिस्काउंट देके, जैसे अभी सीजन जो है इसका चल नहीं रहा है, तो उसमें आप डिस्काउंट देके, ठीक है, मेरी वीडियो देख के भी आएगा तो भी डिस्काउंट देना उसको, ठीक है। देख सकते हो ये सारी जो है यहाँ पे एक्टिविटीज़ इनकी शॉप पर अवेलेबल है, ये सारी आप देख सकते हो।
ये यहाँ पे ये भी चीज अवेलेबल है, इसका क्या चार्जेस है? ये बहुत फेमस है, ये है प्लाई बोर्डिंग का, है प्लाई बोर्डिंग का आपका होता है 4000 का। अच्छा हाँ, ये फोर, ये 4000 में होता है प्लाई बोर्डिंग, लेकिन हम लोग डिस्काउंट देके आपको जो 3000 में होता है। 3000 इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें आपको फोटो वीडियो मिलेगा साथ में। ओके ठीक है। 20 से 25 मिनट की राइड है। अच्छा 20 से 25 मिनट ये करेगा। और ये कौन सी लोकेशन पर होता है? ये 1 किलोमीटर कहाँ पर, कौन सा भी कैलंगूट में होता है। अच्छा इसमें खाना वगैरह कुछ कुछ नहीं होता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ राइड होती है। अच्छा मतलब 3000 में आपका ये आधा घंटा। हाँ राइड राइड ठीक। ओके ओके, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर अगर आप वीडियो में देख रहे हो, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज भी कर दूंगा, तो आप ये इनका नंबर देख लीजिए। इनका ये है कॉन्टैक्ट नंबर 7007547813 और इनकी शॉप का नाम है रियल टूर एंड ट्रैवल। ये सारी चीज़ें कराते हैं और ये है इनका फिश फुट मसाज, जो इनका सेकेंडरी काम है, मतलब इनकी शॉप पर है। ठीक है, आप इनसे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इनसे एक्टिविटीज़ का पैकेज ले लिया था जिसमें कि 5 एक्टिविटीज़ थी। तो इन एक्टिविटीज़ का मुझे जो प्राइस पड़ा था वो 1300 था, जो कि 1300 रुपये है। इसमें 5 एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है, जेट स्काई, पैरासीलिंग, स्कूबा डाइविंग और बनाना राइड, और साथ साथ में भाई बोट पे खाने को भी मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था, वो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। तो अभी तक का जो बजट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 900 रुपये की हमारी ट्रेन की टिकट हुई, देन उसके बाद रेलवे स्टेशन से हम गए अपने हॉस्टल तक, जिसमें कि हमने 2 बस पकड़ी और टिकट प्राइस था 30 रुपीज़ ईच, तो विच इज़ इक्वल टू 60 रुपीज़। देन उसके बाद हमने 4 दिन का हॉस्टल करा, जो कि 400 पर डे के अकॉर्डिंग हमारे हो गए 4 दिन के 1600। देन उसके बाद हमें व्हीकल की भी ज़रूरत थी, स्कूटी की, तो उसको हमने रेंट करा 4 दिन के लिए 300 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग, तो हमारे उसके हो गए 1200। तो उसके बाद हमने करी एक्टिविटीज़ जिसके हमने दिए 1300 रुपये। तो हमारे अगर हम टोटल बजट अभी तक का लगाएं तो हमारा टोटल बजट हो रहा है 5060। फूड का अगर हम 4 दिन का एक्सपेंस लगाएं तो अप्रॉक्सीमेटली खींच के जो है वो 2000 तक पहुंच जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो खाना इतना ज़्यादा महंगा है नहीं, नॉर्मल रेट्स हैं, सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है आपको। वड़ा पाव है, डोसा वगैरह, मैक्सिमम साउथ इंडियन फूड मिलता है और नॉर्मल फूड भी मिलता है। तो टोटल जो एक्सपेंस हो गया है अभी तक का वो हो गया है 7060। ये वाले पार्ट को अभी यहीं तक रखते हैं। अब इसके आगे का जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं गोवा में एक्सप्लोर करने के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको उसमें ऐसी ऐसी लोकेशंस बताऊंगा तो जो कि आपने कभी गोवा में देखी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है वो वीडियो। और उसमें क्लब्स वगैरह थलासा वगैरह की एंट्रीज वगैरह सबके बारे में बताऊंगा, कि क्लब्स में कैसे, कि कौन कौन से क्लब में जाना चाहिए आपको, उन सब के बारे में आपको मैं पूरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो प्लीज़ कीप अपडेटेड। अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।